सो हेलो ब्रीन आज की इस वीडियो में मैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ क्या है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2023 यानी 2023 के लिए बोर्ड एग्जाम आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हैं तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे करते हैं इसके भी बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और एक बात अगर आपको फिजिक्स का सारा न्यूमेरिकल एक साथ चाहिए न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जिससे मतलब जो फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा मैं लेकर जरूर आऊँगा तो देखिए क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स है इंपॉर्टेंट अमेरिका टू ये देखिए बहुत बड़ा है क्या बहुत बड़ा है क्या देखने में भी आपको बड़ा लग रहा है यदि हाँ तो आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं ऐसे समझा दूंगा ना इससे बड़ा न्यूमेरिकल अगर आ गया फिर भी आप करके आओगे एग्जाम में अगर इससे छोटा आ गया तब तो करके आओगे हंड्रेड परसेंट से हो रहा है बस इसको आपको क्या करना है लास्ट तक देखते हुए जाना है मजा आएगा आराम से करेंगे कोई जल्दबाजी नहीं है किसी प्रकार के ठीक है ना तो चलो स्टार्ट करता हूँ देखिए क्या है क्वेश्चन में थ्री यानी तीन दशमलव दो गुड़े दस के खाते में देखिए न्यूमेरिकल कैसे करते हैं सबसे पहले जो दिया गया है इसमें उसको लिख लेते हैं ठीक है ना जो दिया गया है क्या करते हैं उसे लिख लेते हैं इतनी बात समझ आया ना क्लियर इतना अब देखिए जब लिख लेंगे तब उससे रिलेटेड देखते हैं पूछा क्या गया है सबसे पहले क्या करेंगे जो दिया गया उसे लिख लेंगे फिर देखते हैं पूछा क्या गया है ठीक है ना जब पूछा क्या गया है अब उसको मैं अब समझाता हूँ कैसे करेंगे देखिएगा थ्री पॉइंट टू टू पावर माइनस नाइनटीन अगर आप लेसन वन देखे हो फिजिक्स का तो उसमें आपको समझ में जरूर आएगा ये कैसे होगा देखिएगा गुलाम गुलाम क्यू किससे प्रदेश करते हैं क्यू किसका मात्रा क्या होता है आवेश होता है तो क्यू इक्वल टू क्या दिया गया है तीन दशमलव दो गुड़े टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम जो दिया गया है उसको लिख लो देखिए यहाँ पर भी गुलाम दिया गया तो मुझे एक ही गुलाम की आवश्यकता पड़ती है इसलिए मैं थ्री पॉइंट टू एक ही बार लिख लिया हूँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं जो दिया गया है उसे मैं लिख लिया हूँ नोट डाउन कर लिया हूँ फिर कह रहा है दो बिंदु आवेश एक दूसरे से टू पॉइंट फोर गुड़े टेन टू पावर माइनस टेन मीटर है की दूरी पर इसीर है किसे? मीटर की दूरी दूरी किसे मापते हैं टू ए से मापते हैं पता होगा किसे मापते टू ए तो टू ए कितना आपका दिया है टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टेन दो ए बराबर दो दशमलव चार गुड़े दस घाते माइनस दस मीटर जो दिया गया उसे पहले मैं लिख ले रहा हूं दूरी से समापते हैं ना जो याद करो वैद्युत दुध्रुआ आघूड़ किसे होता है उसकी दूरी क्या थी है था इसलिए मैं इसका दूरी टूए लिया हूं यह वैद्युत चार गुड़े दस घाते हैं वैद्युत दुध्रुव अब देखिएगा एक बात और मैं बता दू आपको अगर वैद्युत दुध्रु आघूर्ण होता तब किस प्रदेश करते हैं पी से किससे पी से प्रदेश करते हैं लेकिन इसमें विद्युत नहीं होगा बल्कि विद्युत क्षेत्र होगा सॉरी क्वेश्चन गलत लिखा विद्युत क्षेत्र है क्या विद्युत क्षेत्र अब विद्युत क्षेत्र किसे प्रति करते हैं ई से ई बराबर मेरा कितना दिया गया है चार गुड़े दस के घाते पांच वोल्ट प्रति मीटर यह दिया गया है ई बराबर ठीक है ना

बल आघूड़ याद रखिए बल आघूड़ किससे प्रदर्शित करते हैं टाऊ से अब ये सब आपको जानना जरूरी है टाऊ से क्या प्रदर्शित करते हैं ई से क्या होता है क्यों अगर इतना पता हो गया तो आप न्यूमेरिकल हंड्रेड परसेंट कर ले जाओगे ये गारंटी है तो इतना पता होना आपको जरूरी है तो इसलिए जान जाइए आप लोग है ना ये टाउ अब मुझे टाऊ ज्ञात करना है अब इतना लिखने के बाद सबसे पहले इतना काम कर लेंगे कि जो दिया गया उसे लिखेंगे जो निकालना है उसे लिखेंगे अब ये पता रहना चाहिए गुलाम ट्यू से करते हैं वैद्युत दुद्रुआ गी से करते हैं वैद्युत क्षेत्र ई से करते हैं बीच की दूरी टू ए से करते हैं अगर कोड दिया है तो साइन थीटा लिख देंगे अब देखेंगे टाउ ज्ञात करना टाउ का फॉर्मूला क्या होता है टाउ का फॉर्मूला क्या होता है टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है समाज आए इतनी बात अब देखिएगा अब मुझे देखिए अब इसमें देखेंगे टाव ज्ञात करना है यानी कि पी भी दिया होगा ई e भी दिया होगा साइन थीटा भी दिया होगा दिया होगा ना तभी तो टाव ज्ञात हो पाएगा अच्छा इसके पाले क्या अच्छा जैसे टाओ नहीं दिया है टाओ तो ज्ञात ही करना है पी भी नहीं दिया है सपोज दैट तो क्या ई साइन थीटा ज्ञात कर लेंगे नहीं ज्ञात कर पाएंगे अगर ई e नहीं दिया गया है और पी साइन थीटा दिया गया है तो ज्ञात कर लेंगे नहीं ज्ञात कर पाएंगे अब इसमें देखेंगे क्या जैसे टाउ ज्ञात करना है के पहले देखेंगे क्या पी ई थीटा तीनों दिया नहीं दिया गया देखिए पी नहीं दिया गया है तो हम देखेंगे पी का भी फॉर्मूला होता है वैद्युत का क्या होता है पी बराबर, क्यू इंटू टू ए होता है पी बराबर क्या होता है? क्यू ए होता है है समझ आई बात अब क्यू की जगह पर यह वाला वैल्यू रख देंगे तीन दशमलव दो गुड़े दस गाते माइनस उन्नीस गुलाम तो रख देते हैं यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे पी बराबर क्यू इंटू टू ए क्यों क्योंकि मुझे p जब यहां पर ज्ञात हो जाएगा यहां पर ज्ञात कर लेंगे तो यहां पर मैं वैल्यू को आराम से पुट कर दूंगा p बराबर क्या हो गया q इन टू ए तो पील टू क्यू की वैल्यू है तीन दशमलव दो गूढ़े दस के घाते माइनस उन्नीस टू की वैल्यू भी दिया गया है देखिए यहां पर दो दशमलव चार गूढ़े दस के घाते माइनस दस ठीक है ना समझ आई बात अब ज्ञात कर लो पी बराबर देखिएगा ध्यान से मैं आपके सामने ही गुड़ा करूंगा देखिए पहले तीन दशमलव दो का दो दशमलव चार में गुड़ा करेंगे तो आपके सामने गुड़ा कर रहा हूँ देखिए तीन दशमलव दो गुड़े दो दशमलव चार क्योंकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो चार दूनी की आठ चार तिहाई बारह इतना समझ आए ना दो दूनी चार दो तिहाई छः बस एकदम बेसिक से बता रहा हूँ चार दो छ एक सात ठीक है ना कितना आ गया सात छः आठ लेकिन दशमलव दशमलव का अंक इधर कितना अंक है एक अंक है दशमलव इधर कितना अंक है एक यानी दो अंक के बाद कितना आ गया सात दशमलव छः आठ आ गया गुड़े इतना समझ आया ना सात दस नौ आठ कैसे आया गुड़े ठीक दस अब यहां पर है माइनस उन्नीस यहां पर है माइनस दस तो माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह माइनस का लिख देंगे चिन्ह किसका लिख देंगे माइनस का लिख देंगे तो कितना है माइनस उन्नीस है माइनस दस है तो दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाता है चिन्ह माइनस का लिखेंगे अगर माइनस वाला बड़ा है तो उन्नीस दस कितना हो गया उनतीस हो गया पी का वैल्यू मेरा आ गया एक इसको घेरा बना देंगे यानी कि पी की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे ई की वैल्यू रखेंगे साइन थीटा की रखेंगे तो टाउ बराबर ज्ञात हो जाएगा ठीक अब तो ज्ञात हो जाएगा तो बला क्या होता है टी बराबर पी ई साइन थीटा होता है क्या होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है पी की वैल्यू क्या है सात दशमलव छः आठ गुड़े चार गुड़े दस के घाते पाँच साइन थीटा की वैल्यू एक सौ अस्सी क्या होता है एक सौ अस्सी अंश होता है मैं डायरेक्ट रख दिया ठीक है ना साइन साइन भी लिख दो साइन एक सौ अस्सी मान कितना होता है जीरो होता है तो इसका मान जीरो हो जाएगा आराम से है ना और सारा जितना लिखो दो सात दशमलव छः आठ गुड़े चार गुड़े दस के घाते पाँच गुड़े जीरो अब जीरो का किसी में गुड़ा करते हैं तो पूरा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है यानी शून्य आ जाता है तो मेरा टाउ बराबर क्या आ गया जीरो आ गया आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा अगर आपको फिजिक्स का जितने भी फॉर्मूला बनते हैं सारे फार्मूला का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए आई होप समझ में जरूर आएगा समझ प्लीज लाइक करके जरूर बताइए बहुत बहुत धन्यवाद